शुरू करते हैं 17 अक्टूबर के करंट अफेयर। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। अपना पहला क्वेश्चन है स्वर्ण बॉन्ड योजना से संबंधित। स्वर्ण बॉन्ड योजना क्या है? ये एक केंद्र सरकार ने इसको लागू किया है और यह किस तरह वर्ष की होगी? यह 8 वर्ष की अवधि में लागू की गई तथा इसमें एक ब्याज दर होगी जो कि 2.5% होगी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अपना अगला क्वेश्चन संबंधित है न्यू अकेडमी अवार्ड। न्यू अकेडमी अवार्ड वह है, इनको साहित्य के नोबेल प्राइज़ के विरोध के रूप में स्टार्ट किया गया है तथा इसे एक वैकल्पिक पुरस्कार के रूप में भी जाना गया है तथा यह न्यू अकेडमी अवार्ड है, यह किसको मिला है इस साल? यह मिला है मेरी सी कोंडे को, यह पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन रिलेटेड है नेशनल हेल्थ प्रोफाइल से। नेशनल हेल्थ प्रोफाइल 2018 के अनुसार संक्रामक बीमारियों में सांस से फैलने वाली बीमारियों का प्रतिशत कितना है? कितना प्रतिशत है? उनका प्रतिशत है 69%। जो बीमारियां हैं वो सांस से फैलती है, संक्रामक बीमारियों में। ठीक है, कितना प्रतिशत है? 69%। चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। प्रधानमंत्रियों के लिए संग्रहालय। प्रधानमंत्रियों के लिए संग्रहालय बनाए जा रहे हैं, इनकी घोषणा की गई है तथा ये कहाँ पर इनके संग्रहालय बनाया जाएगा? ये बनाया जाएगा नई दिल्ली में। ठीक है, अब नई दिल्ली की बात करें तो नई दिल्ली के सीएम हैं अरविंद केजरीवाल, वहाँ के गवर्नर हैं अनिल बैजल और वहाँ की जो कैपिटल है वह नई दिल्ली। और जो संग्रहालय बनाया जाएगा इसकी लागत क्या होगी? ये होगी 270 करोड़ रुपये। ठीक है, इसका उद्देश्य है कि अभी तक भारत में जितने प्रधानमंत्री हैं उनके बारे में पूरी डिटेल वहाँ पर रखी होगी, उनकी मूर्ति वहाँ पर होगी, बाकी चीज़ें वहाँ पर रखी जाएगी। यही संग्रहालय का उद्देश्य है ताकि आगे वाले लोग प्रधानमंत्रियों को याद रख सकें। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन संबंधित है माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक। माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक का निधन हो गया है, क्या नाम है उनका? उनका नाम है पॉल एलन, जिन्होंने बिल गेट्स के साथ न्यू मेक्सिको शहर में माइक्रोसॉफ्ट की नींव रखी थी। बात करें माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है, यह एक इंडियन है, उनका नाम है सत्य नडेला, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अपना अगला क्वेश्चन संबंधित है इलाहाबाद शहर से। अभी इलाहाबाद शहर को क्या नाम दे दिया गया है? नाम दे दिया गया है प्रयागराज दे दिया गया है। ठीक है, और यह जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है और उत्तर प्रदेश का कानपुर का रेलवे स्टेशन सबसे गंदा रेलवे स्टेशन है। ठीक है, और यूपी की बात हुई है तो यूपी की राजधानी है लखनऊ, वहाँ के सीएम है योगी आदित्यनाथ और वहाँ के गवर्नर है राम नायक। ठीक है, बाकी और स्थान भी बदले गए हैं, उनके नाम बदले गए हैं, जैसे मुगलसराय जंक्शन का नाम बदल के क्या रख दिया गया है? दीनदयाल नगर। और कंदला बंदरगाह का नाम क्या रख गया है? उसका बंदरगाह का नाम रख दिया गया है दीनदयाल बंदरगाह। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन संबंधित है पुस्तक मुद्रित। हमें यह पता होना चाहिए कि सबसे पहले बुक को प्रिंट करने वाला देश कौन सा है। सबसे पहले बुक को प्रिंट करने वाला देश है चीन। अब चीन देश की बात हुई है तो चीन की राजधानी हमें पता होनी चाहिए, वह है बीजिंग। वहाँ के राष्ट्रपति हमें पता होना चाहिए, वह है सी जिनपिंग। और प्राइम मिनिस्टर हमें पता होना चाहिए, वो है ली कचियांग। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन संबंधित है यूएस रैंकिंग से। यूएस रैंकिंग से संबंधित है, यह जो यूएस रैंकिंग है यह शिक्षण संस्थाओं के लिए दी जाती है और इस यूएस रैंकिंग में सबसे ऊपर इस साल आईआईटी खड़गपुर है। यहाँ पे मैंने यूएस लिख दिया है, सॉरी यहाँ पे क्यूएस है और क्यूएस की फुल फॉर्म है क्विकरल साइमंड्स। क्विकरल साइमंड्स जो कंपनी है वो यूके बेस्ड कंपनी है और यहाँ पे यूके की बात हुई है तो यूके की बाकी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, जैसे यूके की कैपिटल है लंदन और वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है वो है थेरेसा मे, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर है। ठीक है, करेक्शन है, यहाँ पे यूएस नहीं है, यहाँ पर क्यूएस रैंकिंग है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अपना अगला क्वेश्चन संबंधित है विश्व खाद्य दिवस। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है 16 अक्टूबर को।
और इसकी गतिविधियाँ, इसकी थीम इस साल क्या रखी गई है? इसकी थीम इस साल रखी गई है हमारी गतिविधियाँ हमारा भविष्य है। ठीक है, क्या है इसकी थीम? हमारी गतिविधियाँ हमारा भविष्य है। ठीक है, और अक्टूबर के 16 अक्टूबर को यह मनाया जाता है। और अक्टूबर की बाकी डेट्स भी इम्पोर्टेंट है, वो भी हमें पता होना चाहिए, उनको एक बार और रिवाइज़ कर लेते हैं। मैं हर बार बताता हूँ, चलो स्टार्ट करते हैं। 1 अक्टूबर, 1 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस। और इस साल अंतर्राष्ट्रीय आवास दिवस भी इसी तारीख को आया था। आवास दिवस अक्टूबर के पहले सोमवार को मनाया जाता है। ठीक है, 2 अक्टूबर को क्या मनाया गया? 2 अक्टूबर को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। बात करते हैं 5 अक्टूबर को, तो विश्व शिक्षक दिवस मनाया गया। और 8 अक्टूबर की बात करें तो 8 अक्टूबर को मनाया गया भारतीय वायु सेना दिवस। बात करते हैं 9 अक्टूबर को क्या मनाया गया? 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया गया। बात करें 10 अक्टूबर को क्या मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। बात करें 11 अक्टूबर को, तो 11 अक्टूबर को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। और बात करें 13 अक्टूबर को क्या मनाया गया? 13 अक्टूबर को मनाया गया आपदा न्यूनीकरण दिवस। बात करते हैं 15 अक्टूबर को क्या मनाया गया? 15 अक्टूबर को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस। तथा साथ में एक और दिवस आता है, उसका नाम है राष्ट्रीय महिला किसान दिवस, भी 15 अक्टूबर को ही मनाया गया। और 16 अक्टूबर को क्या है वो अभी बता दिया, वो है विश्व खाद्य दिवस। और इसकी थीम क्या है? इसकी थीम थी हमारी गतिविधियाँ हमारा भविष्य है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अपना अगला क्वेश्चन संबंधित है सौभाग्य योजना से। सौभाग्य योजना में क्या है? इस योजना के तहत घरेलू विद्युतीकरण प्राप्त करने वाले राज्यों को पुरस्कार दिया जाएगा। और पुरस्कार क्या दिया जाएगा, उसकी क्या राशि होगी? वो राशि होगी 100 करोड़ रुपए, उस राज्य को दिए जाएंगे जो भी सौभाग्य योजना के तहत जल्द ही घरेलू विद्युतीकरण प्राप्त कर लेगा अपने राज्य में। ठीक है, और सौभाग्य योजना को किसने घोषित किया है? इसको घोषित किया है ऊर्जा मंत्रालय ने। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अपना अगला क्वेश्चन संबंधित है सड़क दुर्घटना से। सड़क दुर्घटना से संबंधित है, तो इसमें क्या रखा गया है, क्या कहा गया है? इसमें रखा गया है कि केंद्र सरकार ने 2020 तक सड़क दुर्घटनाओं को 50% तक कम करने का लक्ष्य रखा है। किसने रखा है? केंद्र सरकार ने। और कब तक क्या रखा है? 2020 तक। और कितना कम करने का लक्ष्य रखा है यह भी पता होना चाहिए, वो है 50%। ठीक है, बात करें सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री ने जो है अपने मनसुख लाल मांडविया ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, उस प्रोग्राम का नाम है युवा सड़क सुरक्षा प्रशिक्षु लाइसेंस कार्यक्रम। इसी के लिए लॉन्च किया ताकि 2020 तक हम 50% कम कर दें जो सड़क दुर्घटना है होती है। ठीक है, किसने लॉन्च किया है? मनसुख लाल मांडविया ने। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अपना अगला क्वेश्चन संबंधित है संयुक्त सेनाभ्यास। ज़्यादातर अपन ने देखा है कि जब भी सेनाभ्यास होता है, कभी थल सेना के साथ हो जाता है, कभी वायु सेना के साथ हो जाता है, कभी जल सेना के साथ हो जाता है। लेकिन पहला संयुक्त सेना अभ्यास किसके साथ हुआ है? पहला संयुक्त सेना अभ्यास हुआ है रूस के साथ, जो कि 2007 में हुआ था। ठीक है, रूस के साथ हुआ था। रूस की बाकी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, जैसे कि वहाँ की राजधानी है मॉस्को, वहाँ के राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन, और वहाँ के प्राइम मिनिस्टर है श्रीमती मेदमदेव। ठीक है, और वहाँ की मुद्रा है रूबल। अब चर्चाओं में हो रहा है कि दो यूएसए के साथ भारत का संयुक्त सैन्य अभ्यास होने वाला है, यूएसए के साथ अमेरिका के साथ होने वाला है। तो अमेरिका की बाकी चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे कि वहाँ की मुद्रा है डॉलर, वहाँ के राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है, इसके बाद भी फ्रांस के साथ होने की बातें चल रही, क्योंकि अभी हमारे जो रक्षा मंत्री है निर्मला सीतारमण फ्रांस गई हुई है, तो फ्रांस की के साथ भी अगली नेक्स्ट टाइम हो सकता है, ये भी हमें पता होना चाहिए। तो फ्रांस की बात करें तो फ्रांस की राजधानी है पेरिस, और वहाँ के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन, और वहाँ के पीएम है मनुएल वाल्स, और वहाँ की मुद्रा क्या है? फ्रांस की मुद्रा है यूरो। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की। अपना अगला क्वेश्चन संबंधित है प्रधानमंत्री की लापरवाही से। यह संबंधित है एक देश से जिसमें क्या है, एक प्रधानमंत्री ने लापरवाही करने को, जैसे वहाँ के राष्ट्रपति ने उसको उसके प्रधानमंत्री पद से निकाल दिया। यह बात हो रही है यमन देश की। तो वहाँ के जो राष्ट्रपति है अबेद रब्बो मंसूर हांडी ने वहाँ के प्राइम मिनिस्टर अहमद बिन डागर को हटा दिया है उनकी लापरवाही की वजह से। यमन की बात करें तो वहाँ की कैपिटल है सोना और वहाँ की मुद्रा है रियाल। जब उन्होंने अहमद बिन डागर को हटाया तो वहाँ पे नया पीएम नियुक्त कर दिया गया है, उनका नाम है मोइन अबुल मलिक शहीद। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अपना अगला क्वेश्चन संबंधित है युद्ध स्मारक से।
दक्षिणी कोरिया ने अपना युद्ध स्मारक कहाँ बनाने जाने की घोषणा करी है? तो कहाँ बनाया जाएगा दक्षिणी कोरिया का युद्ध स्मारक? बनाया जाएगा नई दिल्ली में। ठीक है, यहाँ पे दक्षिणी कोरिया की बात हुई है तो दक्षिणी कोरिया की बाकी चीज़ें भी हमें पता होनी चाहिए, जैसे कि वहाँ की कैपिटल है सियोल और वहाँ की मुद्रा है वॉन, और वहाँ के राष्ट्रपति का नाम क्या है? पार्क हुंग हाई, वहाँ के राष्ट्रपति है। ठीक है, वीडियो फास्ट है तो आप वीडियो को स्लो कर लीजिए, क्योंकि आज की करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन संबंधित है उत्तरी कोरिया से, पहला दक्षिणी कोरिया, अब उत्तरी कोरिया। उत्तरी कोरिया से किस तरह संबंधित है? यह इस ऐसे संबंधित है कि दो देशों के बीच अभी रेल और सड़क मार्ग जोड़ने का नवंबर या दिसंबर में 2018 तक एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। तो उत्तरी कोरिया ने किसके साथ ये प्रोजेक्ट शुरू किया है जिससे वो अपने सड़क मार्ग और रेल मार्ग से जुड़ जाएगा? वो है दक्षिणी कोरिया के साथ। दक्षिणी कोरिया और उत्तरी कोरिया नवंबर दिसंबर तक 2018 में नया प्रोजेक्ट शुरू करेंगे जिससे वो रेल मार्ग से या सड़क मार्ग से जुड़ जाएंगे। ठीक है, उत्तरी कोरिया की बात करें तो उत्तरी कोरिया की राजधानी पोग्यांग और वहाँ के प्राइम मिनिस्टर है किम यांग गिल और वहाँ की मुद्रा है वॉन। बात करें दक्षिणी कोरिया की, मैं जस्ट पहले बताया है दक्षिणी कोरिया की राजधानी है सियोल, वहाँ के राष्ट्रपति है पार्क हुंग यहाई और वहाँ की मुद्रा है वॉन। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन संबंधित है ग्लोबल हंगर इंडेक्स। ये क्वेश्चन पहले भी कवर कर चुके हैं लेकिन इसमें कुछ अलग चीज़ है जो मैं ऐड करी है, वो है इसमें बात करें तो भारत का ग्लोबल हंगर इंडेक्स में कौन सा स्थान है? तो भारत का स्थान है 103वां। इसमें क्वेश्चन ये है कि इसमें जो पाँच वर्ष की आयु से कम उम्र के बच्चों में जो 5 में से 1 बच्चा है वो कुपोषित है, यानी कि 21% बच्चे कुपोषित हैं, जो कि 5 में से 1 बच्चा 5 वर्ष की आयु में कुपोषित है। ठीक है, ये इसकी डिटेल है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अपना अगला क्वेश्चन संबंधित है डीआरडीओ से। डीआरडीओ से कैसे संबंधित है? डीआरडीओ ने भी एक वेबसाइट लॉन्च करी है, वो किसको समर्पित है हमें पता होना चाहिए। वो किसको समर्पित है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को समर्पित है। अब यहाँ पे डीआरडीओ की बात हुई है तो डीआरडीओ किससे रिलेटेड है? रक्षा से। हमारे जो रक्षा मंत्री कौन है? वो है निर्मला सीतारमण, और महानिर्देशक कौन है डीआरडीओ की? वो है एस क्रिस्टोफर। क्या नाम है महानिर्देशक का? एस क्रिस्टोफर। बात करें चेयरमैन की, चेयरमैन कौन है? डॉक्टर जी सतीश रेड्डी डीआरडीओ के चेयरमैन हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन संबंधित है अंडमान निकोबार से। अंडमान निकोबार से कैसे संबंधित है? इसमें क्या किया गया अभी, इसमें अंडमान निकोबार को जो प्रतिबंध लगा हुआ था विदेशी पर्यटकों के लिए, उस प्रतिबंध को हटा दिया है। ठीक है, अब विदेशी पर्यटक अंडमान निकोबार पर जा सकते हैं। ठीक है, अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है ये हमें पता होना चाहिए, वो है पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, और वहाँ पे उपराज्यपाल कौन है? जगदीश मुखी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन संबंधित है कारवाई अमन। ये जो कारवाई अमन एक बस सेवा है जो कि किन देशों के बीच चलती है ये हमें पता होना चाहिए। ये चलती है भारत और पाकिस्तान के बीच में, कारवा ये अमन बस सेवा चलती है। ठीक है, ये पहले बंद हो गई थी, अब इसको वापस चालू कर दिया गया है। बात करते हैं पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद, वहाँ के पीएम है इमरान खान और वहाँ के राष्ट्रपति है आरिफ ओली। इमरान खान और आरिफ ओली इसी साल भारत में पाकिस्तान में नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन संबंधित है सामाजिक उद्यमी। सामाजिक उद्यमी भारत में सामाजिक उद्यमी के रूप में किसे सम्मानित किया गया है? किसको सम्मानित किया है सामाजिक उद्यमी के रूप में? पता होना चाहिए, उनका नाम है प्रेमा गोपालन। ठीक है, प्रेम गोपालन ये क्या करती है, इनको किस वजह से ये अवार्ड दिया है हमें पता होना चाहिए। वो है महिलाओं की उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए तथा ग्रामीण आजीविका के स्टैंडर्ड को सुनिश्चित करने के लिए उन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। कौन सा पुरस्कार दिया है? सामाजिक उद्यमी पुरस्कार दिया गया है। किनको मिला है? प्रेमा गोपालन को ये पुरस्कार मिला है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अपना अगला क्वेश्चन संबंधित है अनमोल रामकृष्ण की जीवनी। ये अनमोल रामकृष्ण कौन है ये हमें पता होना चाहिए। ये है जो कंपनी है इंडिया में L&T, इसके MD एंड CEO थे जो मर गए हैं, और इनको 2014 में पद्म भूषण भी मिला था जो कि इन्हें मरणोपरांत मिला था। ठीक है, और इनकी जो जीवनी है बिल्डिंग अ लेगेसी, क्या नाम है? बिल्डिंग अ लेगेसी का अनावरण किया है। इसका अनावरण किया है बिल्डिंग अ लेगेसी का, और किसने किया है? हमारे जो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति है वह है M. वेंकैया नायडू ने इनकी जीवनी बिल्डिंग अ लेगेसी का अनावरण किया है। अनमोल रामकृष्ण को ने पता होना चाहिए, बता दिया मैंने, फिर बता रहा हूँ L&T के MD एंड CEO थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन है
एएमएफआई के अध्यक्ष कौन है? एएमएफआई के अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? नियुक्त किया गया है निमिष शाह को, एएमएफआई का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यहाँ पे एएमएफआई एक टर्म आई, इसकी फुल फॉर्म में पता होना चाहिए, वो है एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया। इसकी फुल फॉर्म है क्या है? एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया इसकी फुल फॉर्म है। और किसको इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? नियुक्त किया गया है किनको? नाम है उनका निमिष शाह। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन संबंधित है अंतर्राष्ट्रीय रेशम मेला। पहले ही कवर कर चुका हूँ लेकिन इसमें कुछ और एडिशन करना है, वो है ये कौन सा अंतर्राष्ट्रीय रेशम मेला है? वो है छठवां अंतर्राष्ट्रीय रेशम मेला है। और इसका उद्घाटन किसने किया है? स्मृति ईरानी ने। और स्मृति ईरानी जो है केंद्रीय वस्त्र मंत्री है, ठीक है। और उद्घाटन कहाँ पे किया गया इसका? इसका उद्घाटन किया गया दिल्ली के प्रगति मैदान में, ठीक है। बात करें यहाँ पे रेशम की, तो रेशम में भारत का कौन सा स्थान है दुनिया में? तो भारत का दूसरा स्थान है। और सबसे पहले पे कौन है? सबको पता है चीन ही पहले नंबर पे है, क्योंकि रेशम का आविष्कार चीन में ही हुआ था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। स्टीफन हॉकिंग्स की आखिरी किताब, स्टीफन हॉकिंग्स की आखिरी किताब का क्या नाम है? उसका नाम है आंसर टू द बिग क्वेश्चन। क्या नाम है? ब्रीफ आंसर टू द बिग क्वेश्चन उनकी आखिरी किताब थी। दोबारा बोल रहा हूँ, पूछी जा सकती है, बुक्स आती है एग्जाम में। क्या नाम है? ब्रीफ आंसर टू द बिग क्वेश्चन उनकी आखिरी किताब थी, इनकी स्टीफन हॉकिंग्स की। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन संबंधित है नोकिया की ब्रांड एम्बेसडर। नोकिया की ब्रांड एम्बेसडर हमें पता होना चाहिए कि किसको नियुक्त किया गया है? नियुक्त किया गया है आलिया भट्ट को नियुक्त किया गया है। और नोकिया फिनलैंड की कंपनी है जिसका स्थापना 1865 में हुई थी। और बात करें सीईओ कौन है, तो उनका नाम है राजीव सूरी, नोकिया के सीईओ हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन संबंधित है सूरज पवार। सूरज पवार कौन है? इन्होंने अभी युवा ओलंपिक खेलों में रजत पदक जीता है। और युवा ओलंपिक खेल अभी कहाँ आयोजित हो रहे हैं? वो हो रहे हैं ब्यूनस आयर्स में, जो कि अर्जेंटीना की कैपिटल है। आज के वीडियो थोड़ा लंबा खींच गया क्योंकि आज के करंट अफेयर्स थोड़े ज़्यादा थे, जिस वजह से वीडियो थोड़ा लंबा हो गया। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ में वीडियो को जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जो भी किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन